सिख योद्धाओं की बलिदान की कहानियां मन मस्तिष्क को झंकृत कर देती हैं, शरीर में लहू हिलोरे लेने लगता है, भुजाएं फड़कने लगती हैं और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा दिमाग में घर कर जाता है। सिख इतिहास में ऐसे तमाम योद्धा हुए जिन्होंने मातृभूमि और गुरुओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, लेकिन एक योद्धा ऐसे भी थे जो दिखने में हूबहू गुरु गोविंद सिंह जी की तरह थे। गुरुजी ने हथियार की तरह इनका प्रयोग किया था और मुगलों से लोहा लेते हुए एक कुर्बान हो गए। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको वीर बाबा संगत सिंह के बारे में बताऊंगा जिन्हें सिख इतिहास में प्रमुखता से स्थान नहीं मिला। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था। इनके जन्म के 4 महीने बाद ही 25 अप्रैल 1667 को पटना साहिब में ही बाबा संगत सिंह जी का जन्म हुआ। ये रविदासिया परिवार से थे। उन्होंने शास्त्र विद्या, घुड़सवारी, युद्ध कला और मार्शल आर्ट के साथ साथ पंजाबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और ब्रज जैसी भाषाएं सीखी। उनके इसी कौशल को देखते हुए उनके पिता ने देश की सुरक्षा की खातिर उन्हें गुरु गोविंद सिंह जी के शरण में भेज दिया। युद्ध कला में उनकी वीरता को पहचानने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें सेनापति नियुक्त कर दिया। बाबा संगत सिंह ने भंगानी, बजरूर, नादौन, आनंदपुर साहिब, बंसाली, सरसा और चमकौर की सभी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। उनके नेतृत्व में सिख सेना ने भंगानी की लड़ाई जीती थी। उन्होंने अपनी वीरता दिखाते हुए कई पहाड़ी राजाओं को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया था। उन्होंने अपने जीवन में 10 युद्ध लड़े और किसी भी युद्ध में उनकी हार नहीं हुई। युद्ध भूमि में जो भी उनके सामने आया उन्होंने उसे छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने अपना परचम हर जगह लहराया। इसी वीरता के कारण इस वीर सूरमा को महान रविदासी कहा जाता है। उनके जीवन का अंतिम युद्ध चमकौर का युद्ध था जिसमें उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। दरअसल गुरु गोविंद सिंह जी क्रूर मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कराए जाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों का जीना हराम कर दिया था। औरंगजेब तमाम कोशिशों के बावजूद भी सिखों में सेंध नहीं लगा पा रहा था। ऐसे में दुष्ट पहाड़ी राजाओं और नवाबों के साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी के विरुद्ध उसने मोर्चा खोल दिया। आमने सामने हुए युद्ध में सिखों ने इसकी सेनाओं का पूरा हश्र कर दिया, लेकिन जल्द ही मुगल सैनिकों ने आनंदपुर साहिब को फिर से घेर लिया। इसके बाद मुगलों ने गुरुजी को आनंदपुर किला खाली करने का निर्देश दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को पत्र लिखा जिसके जवाब में औरंगजेब ने उन्हें आश्वस्त किया था कि वो किले को छोड़ दें, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन आक्रमणकारी मुगल तो जन्म से ही शातिर थे। औरंगजेब के पत्र से आश्वस्त गुरु गोविंद सिंह जी जैसे ही आनंदपुर साहिब किले से अपने परिवार और अन्य सिखों के साथ निकले, पीछे से मुगल सैनिकों ने उन पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में गुरुजी का पूरा परिवार बिखर गया। ध्यान देने वाली बात है कि दुर्ग छोड़ते समय सभी लोगों को 2 वर्गों में बांटा गया था। गुरुजी की माता गुजरी जी, उनकी पत्नी सुंदरी जी, छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी तथा भाई उदय सिंह के नेतृत्व में 200 घुड़सवार पहले निकले, फिर अपने बड़े बेटे और 400 घुड़सवारों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी स्वयं निकले। तभी उन पर आक्रमण हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी छोटी सी सेना 2 ओर से शत्रु सेनाओं से घिरी हुई थी। वे शीघ्रता से चमकौर की ओर बढ़े। वहां उन्होंने एक गढ़ी में मोर्चा बांध लिया। उनके साथ 2 बड़े पुत्रों के अतिरिक्त केवल 40 सिख रह गए थे। 22 दिसंबर को शत्रु सेना ने गढ़ी पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। इन 40 सैनिकों ने बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध किया। गुरु गोविंद सिंह जी के बाणों की वर्षा से मुगल सेनापति नाहर खान मारा गया और ख्वाजा मोहम्मद ने गढ़ी की दीवार के नीचे छिपकर जान बचाई। इन्हीं 40 सिख सूरवीरों में बाबा संगत सिंह भी शामिल थे। गुरु गोविंद सिंह जी को घेराबंदी से बचाने के लिए बाबा संगत सिंह ने उनके स्थान पर खुद मैदान संभालने का अनुरोध किया। शारीरिक रूप से बाबा संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी से काफी मिलते जुलते थे और दुश्मन को धोखा देने के लिए उन्होंने गुरु का वेश धारण कर लिया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा संगत सिंह जी को अपने हीरे की कलगी, पोशाक और हथियारों से सजाया और उन्हें युद्ध के मैदान में भेजा। दुश्मन फौज भी यह नहीं समझ पाई कि गुरु गोविंद जी के वेश में इस युद्ध में बाबा संगत सिंह जी समेत 40 सिखों ने अपनी कुर्बानी दी थी, लेकिन इसके बावजूद मुगल सैनिक गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए थे। संगत सिंह जी का बलिदान ही था जो गुरु जी दुश्मनों को चकमा देने में कामयाब हो पाए थे। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।